किसान बिल के विरोध में आज दूसरे दिन भी अन्नदाताओं का पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन जारी रहा, जिसकी आग अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पंजाब और हरियाणा में कृषि बिल का विरोध जारी है। किसान बिल वापस लेने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब भर से आए हुए किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता लगातार ही पंजाब राजभवन की ओर उन्होंने कूच कर दिया है। मोहाली से गुरुद्वारा अंब साहब से शुरू हुआ है और जो चुनिंदा कार्यकर्ता है और नेता है 12 संगठनों के, वो लगातार ही आज गवर्नर पंजाब को मेमोरेंडम भी दे। कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ये देश किसानों का देश है, 80% आबादी जो है वो खेती में लगे हुए है। हाथी के दांत खाने के और दिखलाने के हो रहे, पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, पब्लिक में कुछ और कहते हैं और करने के करते कुछ हो रहा है। विरोध जताने के लिए किसानों ने दिल्ली में संसद का घेराव करने का प्रयास भी किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोक दिया। पुलिस इन लोगों को रोक दिया है। पुलिस ने इनको प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि धारा 144 की बात कह के पुलिस इनको कहीं नहीं जाने दे रही है। अब यहाँ से ये पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे रफी मार्ग पर, इनको यहाँ पर रोक लिया पुलिस ने। इधर बीजेपी अध्यक्ष ने बिल को किसानों के हित में बताया, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से बिल को वापस लेने की बात कही। तीनों ही बिल्स जो हैं वह किसान के पक्ष में और किसान को की सेवा करने वाले, आज कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है। इसका दोहरा चेहरा है। यह हमेशा हर चीज में इनका काम राजनीति करना है। अध्यादेश आए हैं, इसमें हमको एतराज है, हमारे क्वेश्चन से इसमें कुछ तो ये अध्यादेश वापसी देना पड़ेगा।